हाँ जी नमस्कार, राधे राधे, हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। नक्षत्र में एक नक्षत्र ऐसा है जो साधना के लिए, उपासना के लिए, आराधना के लिए जाना जाता है, लेकिन उस नक्षत्र में यदा कदा ये देखने को मिलता है कि उनका दाम्पत्य जीवन बिल्कुल अनुकूल नहीं होता। शास्त्रकारों की बात माने या कहीं कहीं शास्त्रों में पढ़ने को मिलता है एक लाइन उसके लिए कि परित्यक्त भार्या अपने जीवन साथी को त्याग देने वाला, छोड़ देने वाला, परित्यक्त देहा और अंत में शरीर को भी त्याग देने वाला, संन्यास वृत्ति, संन्यास धारण कर लेने वाला। इसके अलावा पढ़े अगर आप तो एक जगह इस नक्षत्र के बारे में कहा गया है कि मैत्र सुप्रीवाक माने मित्रता करने वाला और सुंदर वचन बोलने वाला, सुंदर कम बोलने वाला और मीठा बोलने वाला, सुंदर वचन बोलने वाला। धनी सुखरतः, धनी होगा और सुखी होगा। पूज्यो यशस्वी विभु, ऐसा व्यक्ति पूजनीय होगा, यशस्वी होगा। ब्राह्मण वाले गुण उसके अंदर ज्यादा प्रलक्षित होंगे, ब्रह्म वाले गुण ज्यादा प्रलक्षित होंगे। अनुराधा नक्षत्र साधना का नक्षत्र है, और क्या इसके चारों चरणों में ही बात आएगी या इसके चरणों में अलग अलग बात आएगी? ये जो परित्यक्त भार्या, परित्यक्त देहा, दाम्पत्य जीवन की अनुकूलता ना होना, ये क्यों आता है, इसके पीछे क्या कारण है? तो देखिए, अनुराधा नक्षत्र वृश्चिक राशि में आता है। वृश्चिक क्या है? ब्राह्मण राशि है। और ब्राह्मण का मतलब क्या होता है कि संन्यास की तरफ अग्रसर होना, सांसारिक जो वातावरण है उसको तोड़ के आगे निकल जाना, खुद के लिए राह बनाना, वहां दूसरों को पहुंचने में सहयोग प्रदान करना, ब्रह्म की खोज करना। और ब्रह्म की खोज तभी हो सकती है जब आप पारिवारिक वातावरण से अपने आप को दूर कर पाए, नहीं तो धनिया आलू पुदीना में ही परेशान रहेंगे, आप ब्रह्म की तरफ नहीं जा सकते। ब्रह्म के लिए जाने के लिए इन सारी चीज़ों से थोड़ा सा ऊपर उठना पड़ेगा। और जीवन में बंधन का कारक क्या होता है? जीवन साथी ही होता है, वही तो बांधता है। उसी के बाद पश्चात धीरे से परिवार का विकास, फिर घर आए, फिर गाड़ी आए, फिर संतान आए, तो संतान के लिए ये गाड़ी आए, उसके लिए वो आए, इस तरह की चीज़ें आपको निरंतर बांधती रहेंगी, आपके लक्ष्य से भटकाती रहेंगी। क्योंकि जीवन का वास्तविक लक्ष्य तो मुक्ति है, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। तो अगर आपके लग्न के स्वामी इसी नक्षत्र में हैं, आपके राशि के स्वामी माने चंद्रमा भी इसी नक्षत्र में है, तो ऐसी संभावनाएँ बन जाती है कि परित्यक्त देहा, परित्यक्त भार्या, फिर आप जीवन साथी से अलग हो जाएंगे। आपके कुंडली में सप्तम भाव का स्वामी अगर इसी नक्षत्र में गोचर कर रहा है, इसी नक्षत्र में है वो, तब भी ऐसी संभावनाएं बनती हैं। मैं संभावना शब्द का प्रयोग कर रहा हूं क्योंकि ज्योतिष में एक नियम पे आप फलित नहीं कर सकते। जब तक तीन चीज़ें, कम से कम तीन चीज़ें ना मिलें, तब तक आप 100% पुष्टि नहीं कर सकते। लेकिन आपके लग्न वृश्चिक आ जाए या सप्तम भाव में वृश्चिक राशि आ जाए, वहाँ पे चंद्र महाराज विराजमान हो जाएं, आपके लग्न के स्वामी या सप्तम के स्वामी जब भी इस नक्षत्र में आएंगे, तो ऐसी स्थितियाँ बनेंगी कि आप आध्यात्मिक की ओर बढ़ने की इच्छा रखेंगे। तो शास्त्रकार हमारे कहते हैं कि धनी सुकृता पूज्यो यशस्वी भी हो, धनी होगा, सुखी होगा, पूज्य होगा, यशस्वी होगा, ये दोनों बातें मैच नहीं करती ना। तो देखिए, सुख जो है ना मन का विकल्प है, सुख तन का विकल्प नहीं है, सुख तन की बात नहीं है, सुख तो मन की बात है। अगर आप मन मान लिया आपका तो फिर आप सुखी हैं, और मन नहीं माना तो आप अरबों की संपदा के स्वामी होने के पश्चात भी दुखी रहेंगे। एक उदाहरण मैं आपको इसी पक्ष पे देना चाहूंगा। एक अपने जो यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, न खाऊंगा न खाने दूंगा,
मुझे उनका ये डायलॉग बहुत अच्छा लगता है। उनके देखेंगे तो वृश्चिक लगन आएगी और वृश्चिक लगन में ही उनके चंद्र और मंगल विद्यमान है और स्थितियां ऐसी बनी कि वो दाम्पत्य जीवन से दूर हो गए, सुखी हैं क्योंकि निरंतर कार्य कर रहे हैं। तो इस नक्षत्र में ये जो परेशानी आती है, इस परेशानी का कारण जो है नक्षत्र स्वामी शनि। शनि उदासीन है। शनि क्या है? उदासीन नित रहो गुसाई। तो व्यक्ति उदासीन हो जाता है, शनि चिकचिक नहीं चाहता। शनि वैराग्य का प्रतीक है, शनि साधना का प्रतीक है और शनि को इम्पोर्टेंसी का कारक कहा गया है। एक्चुअली इम्पोर्टेंसी शनि इम्पोर्टेंसी नहीं देता। देखिए यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि शनि को हम नपुंसक कह देते हैं, नपुंसक नहीं है। शनि क्या है? विचारधारा से वैराग्यवादी है, विचारधारा से वो विलासी नहीं है। तो शनि कहता है कि जो विलासिता में वक्त लगाओ उसको तपने में लगाओ, खुद को तपा दो, खुद के लिए मार्ग प्रशस्त करो। इस बेबी बच्चों के चक्कर में पड़ोगे तो फंस जाओगे, इसलिए साधना के मार्ग का अनुगमन करो। इसलिए शास्त्रकारों ने उसको नपुंसक ग्रह कह दिया, ये कारण है। अब यहाँ पे आप देखेंगे ना तो इसका जो प्रतीक है दंड है। दंड क्या है? दंड साधना का प्रतीक है। दंड कौन सा दंड? दंड वो जिसपे हाथ रख के लोग माला जपते हैं। विश्वामित्र वशिष्ठ की कहानी आपने पढ़ी होगी, लास्ट में उन्होंने दंड को आदेश दे दिया, उत्तिष्ठ, संहार आए, उठो और संहार करो। दंड उठा और विश्वामित्र की सारी सेना का संहार कर दिया और विश्वामित्र हाथ जोड़ के उसी दिन से कहे धिक बलम क्षत्रिय बलम ब्रह्म तेजो बलम बलम। धिक्कार है क्षत्रिय के बल के, ब्राह्मण का बल ही वास्तव में बल है। तो दंड उसका प्रतीक है। कमल, कीचड़ में रह के संसार को पवित्रता का उदाहरण देना, स्निग्धता का उदाहरण देना, आकर्षण का केंद्र बिंदु, पवित्रता का केंद्र बिंदु कमल। इसके जो देवता हैं वो सरस्वती हैं, मित्र देवता हैं, तो सबसे मित्रता रखता है, ज्ञान की बात करता है। अनुराधा नक्षत्र वास्तव में सफलता का नक्षत्र है। अब सफलता किस दृष्टिकोण से? इस जीवन की सफलता तो यही है कि आप मुक्त हो जाएं, इस जन्म मरण के चक्र से मुक्ति मिल जाए, क्योंकि हम जन्म ही इसीलिए लेते हैं कि मरना ठीक से आ जाए, मुक्त हो जाए। तो 84 लाख योनियों में भ्रमण करने के पश्चात आप मानव योनि में आए हैं, तो एक अवसर है अगर आप इस नक्षत्र में उत्पन्न हुए हैं कि आप मुक्त हो जाएं या मुक्ति की ओर आप कदम बढ़ा दें। इस नक्षत्र की जो शक्ति है राधना शक्ति, राधना शक्ति मतलब आराधना शक्ति। आराधना से ही आपको शक्ति मिलेगी, उपासना से ही शक्ति मिलेगी। अनुराधा क्यों नहीं साधा? शास्त्रकार कहते हैं अनुराधा क्यों नहीं साधा? अनुराधा को साधना चाहिए, मतलब आराधना करना चाहिए। अब जिस बिंदु को लेके हम चल रहे हैं या बिंदु अनुराधा नक्षत्र के किस चरण में प्रकट होगा, किस चरण में ज्यादा दिखाई देगा? देखिए अनुराधा नक्षत्र में जो दाम्पत्य जीवन है वो बहुत सुखद हो इसकी संभावनाएं कम है। लग्न का स्वामी अनुराधा में है तो आप शारीरिक रूप से विरक्त रहेंगे, चतुर्थ का स्वामी है तो मानसिक रूप से विरक्त रहेंगे, और अगर चंद्रमा लग्न दोनों है तो शारीरिक मानसिक दोनों रूप से आप विरक्त हो जाएंगे। आपका मन वासना में लगेगा ही नहीं, विलासिता में मन लगेगा नहीं, विलासिता आपको कुंठित कर देगी, विलासिता आपको तकलीफ देगी, व्यथित कर देगी, ऐसा आप कह सकते हैं। तो जब भी ये प्रथम चरण में होगी तो देखिए यहाँ पे सूर्य और शनि की युति होगी, ठीक है ना? शनि नक्षत्र स्वामी होंगे और नवांसा जो मिलेगा सूर्य का मिलेगा, तो सूर्य शनि कुछ दूर तक चलेंगे लेकिन आपस में इतनी चिकचिक हो जाएगी, एक दूसरे को दबाने की इच्छा रहेगी, हम तुम मेरे अनुसार चलो। शनि अपने हिसाब से चलना चाहता है, सूर्य बिल्कुल उसको डिसिप्लिन बनाना चाहेगा, तो यहाँ पे चिकचिक होने की वजह से कुछ समय तक दाम्पत्य जीवन आगे चलता है, उसके बाद उदासीन जैसा हो जाता है। ठीक है, अगला आदमी घर में जो जरूरी है वो रखा, अपना ब्रेक हुआ, काम किया, बस बहुत मतलब नहीं रह जाता, वो धीरे से अपना मार्ग अलग कर लेता है। तो लोगों को दिखता है कि ये दाम्पत्य जीवन इनका अच्छा है लेकिन वो साइलेंट जोन में होते हैं, किसी से कुछ कहते नहीं, क्योंकि सूर्य शनि आपस में पटरी नहीं खाने देते, चिक चिक करते हैं, हर बात पे चिक चिक करते हैं। तो यहाँ पे जिसके
चतुर्थ के स्वामी ठीक है, गुरु ठीक है, वो आदमी धीरे से रास्ता बना लेता है कि भैया मुझे ऐसे निकल जाना है, मुझे चिक चिक नहीं करना है, जिम्मेदारी है इसका मैं वहन करूंगा लेकिन चिक चिक नहीं करूंगा। वहीं अनुराधा नक्षत्र के अगर द्वितीय चरण में आप पैदा हुए हैं तो फिर क्या होगा, बुध का नवांसा मिलेगा आपको कन्या और शनि का मिलेगा। तो इसमें क्या होता है कि आगे चल के एक अवस्था के पश्चात थोड़ी सी इम्पोर्टेंसी आ जाती है। अब इम्पोर्टेंसी आने के पीछे जो कारण होता है वो ये होता है कि आपका जीवन साथी आपको उसी जगह पे पिंच करता है, उसी जगह अपमानित करता है जहाँ पे मिलन होता है। मिलन के समय ही अपमान करेगा, मिलन के समय ही कष्ट देगा। तो धीरे धीरे क्या होता है, आपका जो संभोगात्मक रिलेशन है उससे आपको एलर्जी होने लगती है। आपको लगता है कि जब भी हम उस तरफ बढ़े तो बाद में अपमानित होना पड़ेगा, अपमान मिलेगा, कष्ट मिलेगा, तकलीफ मिलेगा। तो वो जो चीज़ें होती है ना, धीरे धीरे आपका मन विरक्त होना शुरू हो जाता है। तो उसको हम शास्त्रकार हमारे कहते हैं, या हम लोग कहते हैं, शास्त्रकार नहीं कहते, हमारे जैसे ज्योतिषियों ने इसको बनाया कि इम्पोर्टेंसी आ जाती है। तो यहाँ पे मानसिक रूप से इम्पोर्टेंसी आ जाएगी। मानसिक रूप से मतलब जब भी आप वहाँ पे जाएंगे कुछ न कुछ आपके लिए ऐसा कहा जाएगा कि आपका उत्साह भंग हो जाएगा, आपको अपमान सा बोध होगा, तो धीरे धीरे व्यक्ति उदासीन हो जाएगा। वहीं तृतीय चरण में जाएंगे तो तुला का नवांसा मिलेगा। तो यहाँ पे आपको सप्तमेश आपका तुला का मिल जाएगा, सप्तमेश शुक्र का मिलेगा और तुला का नवांसा मिलेगा। तो यहाँ पे स्थितियां बहुत बनती हैं कि आप भोगात्मक होंगे। क्या होंगे? भोगात्मक होंगे। तो एक चरण में भोग भी आपको बहुत मिलता है, और भोग भी जो है ना, अगर तरीके से किया जाए तो योग में परिवर्तित हो सकता है। लेकिन इस भोग में क्या है कि आपको पूर्ण शांति नहीं मिलती, अतृप्ति रहती है। क्या अतृप्ति रहती है? क्यों अतृप्ति रहने के पीछे जो शनि आपके बैठा हुआ है वो तृप्ति नहीं लेने देता, वो उदासीनता लाता ही लाता है। बुध द्रुत गति पकड़ता है, बुध उसमें द्रुत गति पकड़ता है, और शुक्र कुछ और चाहता है। तो शुक्र बुध का बसपना जो है, बुध का बसपना, बुध की अनमेच्योरिटी, उन संबंधों में भी कहीं ना कहीं खिंचाव। लेकिन तृतीय चरण में दाम्पत्य जीवन बेहतर जाएगा। जहां बात चतुर्थ चरण की बात करें तो अनुराधा के चतुर्थ चरण में मंगल का नवांश मिलेगा, वृश्चिक नवांश मिलेगा। मंगल का कौन सा मिलेगा? वृश्चिक मिलेगा। अब वृश्चिक क्या है? ब्राह्मण नवांसा में, वृश्चिक राशि ब्राह्मण राशि है। तो लग्न आपका का क्या हुआ? ब्राह्मण हुआ। आपका नवांश क्या हुआ? ब्राह्मण हुआ। तो मंगल मंगल शनि, मंगल मंगल शनि, तो यहां पर दो मंगल मिलने के बाद वो विरक्ति पैदा कर देते हैं, शनि विरक्ति पैदा कर देगा। तो यह जो शास्त्रकार हमारे कहते हैं कि परित्यक्त भार्या परित्यक्त देहा संन्यास वृत्ति, यहाँ पे ऐसा जातक संन्यास वृत्ति धारण कर लेता है, वो अपने जीवन साथी का परित्याग कर देता है और अंत में अपने शरीर का भी परित्याग कर देता है, मुक्ति के लिए प्रस्थान करता है। ऐसा व्यक्ति वंदनीय है, ऐसा व्यक्ति पूजनीय है, क्योंकि वो धर्म अर्थ काम से मुक्ति के पथ की ओर बढ़ रहा है, मुक्ति की बात कर रहा है। तो उदासीन नित रहो गोसाई, जो ये चतुर्थ चरण में उत्पन्न हुए जातक हैं, अगर आपका चंद्रमा और आपका लग्न का स्वामी चतुर्थ चरण में है तो उदासीन नित रहो गोसाई। आपका सप्तमेश इस नक्षत्र में है और इस चरण में है, चंद्रमा इस नक्षत्र में है, तब भी आपके साथ स्थितियां ऐसे बनेंगी। साथ में आपको आपकी कुंडली में सप्तमेश की स्थिति देखना पड़ेगा। सप्तमेश 6-8-12 में है तो यह स्थिति द्रुतगत से बनेगी। जीवन साथी का व्यवहार ही ऐसा होगा कि वो आपको इन सारी चीजों से मन उचट जाएगा, ठीक है ना, आपका मन ही नहीं लगेगा, वासना में प्रताड़ना इतनी मिलेगी ना कि आपका मन टूट जाएगा। तो शास्त्रकार हमारे जो कहते हैं कि परित्यक्त भार्या, दरअसल ये चारों चरणों के लिए ना होके एक विशेष चरण के लिए है। हमारे यहाँ शास्त्र में जितने भी सूत्र दिए गए हैं वो सभी हर कुंडली के लिए, हर चरण के लिए, हर भाव के लिए नहीं है, किसी विशेष भाव के लिए है। इसको हमें समझना होगा। ज्योतिष सरल इस दुनिया में सिर्फ ज्योतिषी है, तो ज्योतिष सीखते रहिए, ज्योतिष सिखाते रहिए। चलिए फिर चर्चा करेंगे किसी बिंदु पे, तब तक आपके लिए राधे राधे।